नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। कोरोना से निपटने के लिए गैर सरकारी अस्पतालों को अधिग्रहित करेगी सरकार। इन अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बनाया जाएगा आइसोलेशन वार्ड, अपने खर्च पर कोरोना का इलाज कर सकेंगे लोग। राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने चिकित्सकों को बढ़ चढ़कर काम करने का किया आह्वान। पर्यटन मंत्री गौतम देव ने कहा कि दार्जिलिंग जिले में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच दार्जिलिंग जिले के कुछ गैर सरकारी अस्पतालों का चयन किया गया है, जिसमें कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा। इस बारे में दार्जिलिंग के डीएम के साथ विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री ने कहा कि इस बारे में दार्जिलिंग के डीएम अगले कुछ दिनों में जानकारी देंगे। मंत्री ने कहा, बाहर से आने वाले लोग जो सरकारी अस्पतालों में कोरोना का इलाज नहीं करवाना चाहते हैं, वे इन सरकार द्वारा अधिग्रहित गैर सरकारी अस्पतालों में अपने खर्च पर इलाज कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान समय में कोरोना को लेकर कुछ चिकित्सक द्वारा अपनी परिसेवा नहीं दे पा रहे हैं, उन्होंने इसे दुखद व खेदजनक करार देते हुए कहा, कोरोना की महामारी के इस दौर में चिकित्सकों को लोगों की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। एमएलए इनक्लूडिंग 14 वार्ड्स अंडर एसएमसी तो हमें लास्ट जेदिन मीटिंग করেছি যে ওরা একটা টুনার মেশিন কিনতে চায় তো এই 5 লাখ টাকা ওরা ইউজ করবে বলেছে আমি আজকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি অ্যালোকমেন্ট কারণ আমার 2021 আমি বেঙ্গলের নাম্বার 1 ছিলাম ইউটিলাইজেশন আমি এসজেডি কে বহুদিন আগে দিয়ে দিয়েছিলাম ওদের বলেছি তাড়াতাড়ি টেন্ডার করে কাজটা শেষ করতে 50 লাখে দিয়েছি 5 লাখ দিচ্ছি এরা টুনাট মেশিন বা অন্য যে কোনো পারপাসে কোভিডে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট জলপাইগুড়ি খরচ করতে পারবে সেটা তাকে জানাচ্ছি আর 5 লাখ টাকা এমার্জেন্সির জন্য রাখছি যে বছরের শেষের দিকে যদি কোনো এমার্জেন্সি সিচুয়েশন কিছু হয় আর ওই টাকাটা যাতে খরচ করতে পারে দিস ইজ নাম্বার ওয়ান চিঠি একটু রিকাস্ট করতে হবে যার জন্য আমি এখন আর দেখাচ্ছি চিঠিটা রেডি আছে আজকে চলে যাবে নাম্বার টু হচ্ছে গেম দার্জিলিংয়ের সাথে মিটিং করল মিটিংটাতে প্রথম যে ব্যাপারটা আলোচনা হয়েছে যে শিলিগুড়ি মহকুমায় দুটো কমিটি তৈরি করবে টাস্কফোর্স সেই টাস্কফোর্সে সরকারি আধিকারিকরা থাকবে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা থাকছে একটা মহকুমা পরিষদ এলাকা একটা শিলিগুড়ি পুর নিগম তো সেটা নিয়ে ডিটেল আলোচনাতে মডালিটিসটা আমি বলছি না সেটা তৈরি হয়ে যখন মিটিং হবে আপনারা দেখতে পাবেন দিস ইজ নাম্বার টু এর আগের দিন যে নটিকাটাতে মিটিং করলাম 16টা কাজ আজকে ছিল টেন্ডার হচ্ছিল না সেটা আজকে টেন্ডারটা হয়ে যাচ্ছে নাম্বার থ্রি ইলাপাল চৌধুরী যে স্কুল যেটা চম্পাশালীর মধ্যে পড়ে ওখানকার লিডারশিপের সাথে আমি কথা বলেছি এটা একটা আইসোলেটেড জায়গা ওখানে জাস্ট কোয়ারেন্টাইন সেন্টার সেটা ওখানকার মানুষজনরা আলোচনা করে তারা রাজি করিয়েছে হোপফুলি ওখানে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারটা চালু হয়ে যাবে এছাড়া গ্রাম সংসদ ধরে প্রত্যেকটা জিপি ওয়াইজ কোয়ারেন্টাইন সেন্টার সেটা আমরা ওয়ার্কআউট করে দিয়েছি যেখানে আমি আর নির্দিষ্ট পিন পয়েন্ট করছি না তাহলে আবার লোক গিয়ে ভিড় করতে পারে এই যে জায়গাগুলোতে সমস্যা ছিল সেটাকে আমরা ক্লিয়ার করেছি চ্যাংয়ের হসপিটালে 20টা বেড আরও বাড়ছে সেটা দিয়ে আপাতত সামাল দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। अलीपुरद्वार का भाटीवाड़ी ग्रामीण अस्पताल कोविड अस्पताल में तब्दील। कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर जिला स्वास्थ्य विभाग ने किया ऐलान। लॉकडाउन के शुरुआत में ग्रीन जोन में शामिल अलीपुरद्वार जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बताया जाता है कि प्रवासी श्रमिकों के जिले में लौटने के बाद से यहां कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर अलीपुरद्वार जिला व आसपास कूचबिहार जिले के कोरोना मरीजों को इलाज के लिए सिलीगुड़ी स्थित कोविड अस्पताल में भेजा जाता है, लेकिन जिस तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, ऐसे में सिलीगुड़ी स्थित कोविड अस्पताल में मरीजों के लिए बेड कम पड़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसी समस्या के मद्देनजर अलीपुरद्वार जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक नोटिस जारी कर जिले के भाटीवाड़ी ग्रामीण अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील किए जाने का ऐलान किया गया है। नोटिस में अस्पताल सुपर एवं इसमें कर्मचारियों को फिलहाल
इस अस्पताल में अन्य बीमारियों के मरीजों को भर्ती नहीं किए जाने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि अलीपुरद्वार जिले के तापसीघाटा स्थित आयुष अस्पताल में इससे पहले प्री कोविड अस्पताल बनाया गया है। আমাদের একটু অসুবিধায় পড়তে হবে, আবার আরেকদিকে দেখতে গেলে কোভিড নাইন্টিনেরও চিকিৎসার দরকার। সেই হিসাবে যদি হসপিটালটা এখানে না করে একটু জনবসতিপূর্ণ এলাকা যেহেতু এটা একটু দূরে করা যেত, তাহলে আমার হিসেবে খুব ভালো হতো। তারপরেও আজকে আমাদের যদি কোনো একটা অসুবিধা হয়, পেশেন্ট রাত্রে যদি কোনো একটা সমস্যায় পড়ি আমরা, আমাদের তো ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল আলিপুরদুয়ার, এমনিতেই লকডাউনের সময় গাড়ি ছাড়ি চলছে না, পাচ্ছি না, এর মধ্যে আমরা কীভাবে নিয়ে যাব? এখানে থাকলে তো কোভিড নাইন্টিনের পেশেন্ট থাকলে তার অন্য পেশেন্ট অ্যালাউ করবে না, তাহলে সেই হিসাবে আমাদের তো প্রচুর একটা সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে। हिमालयन ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा 26 मई के दिन एक पत्रकार सम्मेलन कर आगामी 15 जून तक दार्जिलिंग में यात्री वाहक टैक्सी वाहनों को नहीं चलाने का निर्णय लिया गया था। आज पुनः कमेटी की तरफ से एक पत्रकार सम्मेलन कर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा जारी की गई दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए कल से दार्जिलिंग के प्रत्येक सिंडिकेट से 25% वाहनों को छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इस विषय पर अधिक जानकारी हिमालयन ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभापति SN प्रधान ने दी है। ये जो भय को सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन अनलॉक 1 र स्टेट गवर्नमेंट ले 15 तारीख सम्म फेरि लकडाउन गरेकोमा र स्टेट गवर्नमेंट बाट पनि ट्रांसपोर्ट विषय लिएर नयाँ अर्डरहरू आजदेखि जारी गरेकोले गर्दाखेरि हामीले एउटा फेरि आपसमा बसेर यसलाई रिभ्यू गर्ने काम आज गर्यौँ र यस सम्बन्धमा जति पनि अब यो अहिलेसम्म लकडाउन विषय लिएर चल्दै थियो र आजको दिनदेखि नै अब यो परिवर्तन गर्ने हामीलाई सुझाव आदेश पनि स्टेट गभर्मेन्टबाट पनि आएको थियो र त्यसलाई हामीले भोलिदेखि हामीले त्यो उहाँको अर्डरलाई पनि र स्टेट गभर्मेन्टको लकडाउनलाई र सेन्ट्रल गभर्मेन्टको अनलक वानलाई मध्यनजर राखेर आज हामीले केही निर्णय लिएको छौँ र यो साधारण जनतालाई हामी यो च्यानल मार्फत यो प्रेस मार्फत आज हामी यो बताइरहेछौँ र सर्वप्रथम हाम्रो जो 15 तारिकसम्मको हाम्रो जो लकडाउन थियो हामीले जो लकडाउन 15 तारिकसम्म हुन्छ भनेर भनेको थियौँ त्यो हाम्रो यथावतै हुन्छ किनभने स्टेट गभर्मेन्टले पनि लकडाउन 15 तारिकसम्म चालु गरेको छ लकडाउन गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यो हाम्रो यथावतै बस्छ तर त्यो भित्र अब जस्तो प्रकारले स्टेट र सेन्ट्रलले छुट दिएको छ त्यसमा हामीले पनि हामीले कतिवटा छुट दिएर आज हामीले निर्णय लिएको छौँ र भोलिदेखिको जति पनि अब सिन्डिकेटहरूको गाडीहरू चलाचल थियो त्यो जम्मै गाडीहरू अब 25%ले जति सिन्डिकेटमा आफ्नो गाडी छ त्यो गाडीको आधारमा 25% सिन्डिकेटहरूले आफैले भोलिदेखिको सञ्चालन गर्नेछ र त्यसमा अब हामीलाई अर्डर आएको थियो कि एउटा गाडीमा सुमोमा जति सिटिङ क्यापेसिटी छ आरसी बुकमा त्यो अनुसार लिँदा हुन्छ भनेर आज बिहान हामीलाई फोन मार्फत जनाएको थियो कलकत्ताबाट पनि आरटिओ दार्जिलिङ मार्फत पनि र हामीले त्यो चाहिँ हेरेर अहिलेको दार्जिलिङको स्थितिलाई मध्यनजर राखेर त्यो चाहिँ हामीले गर्न चाहेनौँ। कफ सिरप व नशीली टैबलेट्स के साथ 3 गिरफ्तार। लॉकडाउन के बीच सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत भक्तिनगर थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर कल रात विशेष अभियान चलाकर मादक पदार्थों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया आरोपियों के नाम विवेक छेत्री, नरेंद्र गुरुंग और पप्पू घोष है। इनमें विवेक छेत्री व नरेंद्र गुरुंग डामडिम के निवासी है और पप्पू घोष सिलीगुड़ी के शरत चंद्रपल्ली का निवासी है। पुलिस सूत्र के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर रविवार को विशेष अभियान चलाकर काफी संख्या में कफ सिरप व नशीली टैबलेट्स बरामद किया गया। उन सभी को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया है। 65 दिनों के लॉकडाउन के बाद देश में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर अनलॉक 1.0 शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में आज कालिंपोंग शहर 90% सामान्य रहा। अनलॉक के प्रथम दिन आज शहर के सभी दुकान पाट बाजार खुले हुए थे। लॉकडाउन के चलते बंद रहे होटल्स, रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर्स, लोकल टैक्सी सिंडिकेट सभी खुले हो चुके हैं और ऐसे में नॉन एसेंशियल सेक्टर्स की तमाम दुकानें भी आज से खुल गई है। आज शहर में लोगों की चहल पहल काफी संख्या में दिखी गई। सबसे बड़ी बात यह रही कि लोग अपने कार्य के लिए शहर तो पहुंचे लेकिन पूरी सावधानी बरतते हुए मास्क पहनकर निकले थे, लेकिन कालिंपोंग शहर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर
अभी भी जागरूक नहीं दिखते हैं। ऐसे में आज लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भी देखा गया। खोलिनु पर्ने में तो मेरे विचार में तो अलिकति गलत जस्तो लाग्छ। किन भन्नुस् त अब अहिले त लकडाउन खुलेपछि त बाहिरको मान्छे पनि आउनु स्वाभाविक नै हो। अनि तपाईँको अलिक सिलगढीमा कतिपय संक्रामक भइरहेको छ, अब त्यसले गर्दा हामीलाई थाहा हुँदैन कुन चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ संक्रामक भइरहेछ, कसलाई के भइरहेछ हो। अचानक अब यसरी आउँदाखेरि हाम्रो कालेबुङमा अनि त अहिलेसम्म त कालेबुङमा त केही भएको छैन, होइन एउटा केस भएको थियो, त्यो केसदेखि त अरू त केही भएको थिएन। र पनि हामीलाई सबैलाई डरै लाग्छ एउटा कुरो चाहिँ हो। अन्त त्यसले गर्दाखेरि अब म चाहिँ घरमा अब म मेरो त त्यही छ, पेन्टिङहरू गर्छु ऊ गर्छु हो। अन्त त्यही हो हाम्रो सिक्नु त के सिक्नु मान्छ, आफ्नो हाम्रो आफ्नै लागि गरेको हो। गभर्मेन्टले जति उयो गर्दैछ हाम्रो लागि, हाम्रो पब्लिकको लागि, त्यो चाहिँ हामी अनुभव बसेर सेफ बसेर स्टे एट होम र अरूलाई पनि घरको परिवार पनि त्यही सिकाइरहेको छु। यो चाहिँ मलाई डर लाग्दैछ किनभने मान्छे सासमासु हुन्छ, सोसल डिस्टेन्सिङ पालन हुँदैन, भिडमा हुन्छ हो। त्यो अब बुझ्नेले बुझ्छ, नबुझ्नेले बुझ्दैन। दोकानमा भिडभाड, ब्याङ्कमा भिडभाड हो, बाटोमा भिडभाड, अन्त गाडीमा भिडभाड, गाडीमा पनि त्यस्तो राखेको छैन। म त सतर्क छु, हामी त अब एज भएको हामीलाई पनि डर लाग्छ हो, सतर्क चाहिँ हुनै पर्छ हामी। देश में कोरोना वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए सरकार के द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी और यहाँ चार चरणों में चली थी। देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सभी को बंद कर दिया गया था। इस बीच केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर देश में आज से अनलॉक 1.0 शुरू कर दी गई है। ऐसे में आज से तमाम धार्मिक स्थल खुलने शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में आज सिलीगुड़ी प्रणामी मंदिर रोड स्थित प्रणामी मंदिर भी आज से खोल दी गई है एवं भक्तजनों के लिए समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है, जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक भक्तजन दर्शन के लिए मंदिर पहुंच सकेंगे। मंदिर प्रबंधन के द्वारा बताया गया कि सिर्फ 10 लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, वहां भी पूरी सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए। हमारी संस्था गुरुजी प्रणामी मिशन ट्रस्ट और सदानंद प्रणामी चैरिटेबल ट्रस्ट, दोनों संस्था ने मिलके और हमारी यहाँ की जो युवा समिति की टीम है, हमने डे वन से जिस दिन लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, ड्यूरिंग लॉकडाउन हम लोगों ने रॉ जो राशन है हम लोगों ने गरीब फैमिली को डिस्ट्रीब्यूट किया है। और सिलीगुड़ी जो प्रशासन है, जो बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिलीफ सेल है, उनके माध्यम से हम लोगों ने काम किया है और डे वन से और टिल लॉकडाउन हम लोगों ने रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये हमने पहले गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के ऊपर में हमने जिक्र किया। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस अनाउंसमेंट के बाद में हमें पता चला कि बंगाल गवर्नमेंट इसको 1 तारीख से मंदिर खोलने की इजाज़त दी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट 8 तारीख से है, लेकिन जो कि ये मंदिर हमारा बंगाल में ही है, इसलिए हमने बंगाल गवर्नमेंट के ही गाइडलाइंस से चल रहे। तो हम कल से ही पूरे जो हमारे यहाँ पर जितने भी संस्था है, चौकीदार है, उनको सब गाइडलाइंस किए कि भाई कोई भी आए तो उनको सैनिटाइज करे, मास्क अनिवार्य है, मास्क होना चाहिए। और हमने पूरे ही हमारे यहाँ पर जो भी कर्मचारी है उनको बोलकर पूरे ही मंदिर के अंदर में हमने पूरे सैनिटाइज कराया। हमारे अंदर के मंदिर के अंदर जो पुजारीगण है उनको भी हमने गाइडलाइंस किया कि गवर्नमेंट के जिस तरह से गाइडलाइंस है, कोई भी आए उनके मास्क होना चाहिए, आप भी मास्क लगा के रखें इस हिसाब से। और 10 जन से ज़्यादा हम एक बार में मंदिर में इकट्ठा नहीं होने देंगे श्रद्धालु को, ऐसा हमने यहाँ पर निर्णय लिया। ये 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे, जो कि गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है। यहाँ हम कई साल से हैं, अभी तो ये नया मंदिर है, पहले उधर मंदिर था, पुराना मंदिर, वहाँ भी पूजा किया है। हाँ, धर्म प्रचार प्रसार करते हैं, गीता जी के प्रवचन करते हैं, भागवत करते हैं, रामायण सुनाते हैं, ये सब वाणी तारतम वाणी सुनाते हैं। कोरोना एक भयंकर बीमार है जो आज विश्व को ही आक्रांत यानी त्राहिमाम बनाया है, और उससे बचने के लिए हम लोगों को उसी तरह का जैसे यहाँ डिस्टेंसिंग बनाया गया है, इसी तरह अपने हाथ मुंह में मास्क लगाना या हाथ में ये सब सैनिटाइजिंग करना, ये सब
जो सरकारी नियम है वो नियम पालन करना चाहिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमा दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा दमन सिरप, दमा दमन चूर्ण, दमा दमन हर्बराज हर्बल टी जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टेक्ट नंबर 8597380। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक एनएक्सटी डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दिनहाटा में मोटरसाइकिल, टोटो व ऑटो के परिचालन पर पाबंदी। जिले में कोरोना के कुल 87 मामले। कूचबिहार जिले के दिनहाटा में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामले के मद्देनजर नगरपालिका प्रशासन ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की दिशा में पहल शुरू कर दी है। प्रशासन की ओर से सोमवार से दिनहाटा शहर में मोटरसाइकिल, टोटो व ऑटो का परिचालन पर अनिश्चित काल के लिए पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि राशन सामग्री व स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं में इन वाहनों के इस्तेमाल पर छूट दी गई है। नगरपालिका की ओर से इस बारे में आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गौरतलब है कि कूचबिहार जिले में अब तक कोरोना के 87 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें अधिकतर दिनहाटा इलाके के हैं। कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर प्रशासन की ओर से सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक दुकान पाट खोलने की इजाजत दे दी गई है। दोपहर 12 बजे के बाद इन दुकानों को बंद करने का निर्देश प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। दिनहाटा नगरपालिका के प्रशासक विधायक उदयन गुहा ने बताया कि नगरपालिका इलाके में किसी भी सूरत में मोटरसाइकिल, टोटो व ऑटो चलने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल इसके परिचालन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। এবং বিভিন্ন আবার আর একটা খবরও পাচ্ছি যে বিভিন্ন গ্রামেও এই ধরনের প্রতিরোধ করা হচ্ছে, সেখানে ব্যারিকেড তৈরি করা হচ্ছে, সেখানে গেট করে দেওয়া হচ্ছে যে একেবারে এমার্জেন্সি ছাড়া অকারণে যাতে কেউ চলাফেরা করতে না পারে তার বন্দোবস্ত তারা করছে। এটা ভালো, যে অবস্থাটা হয়েছে দুদিনে পরপর দুদিনে 51 জন আক্রান্তের খবর পাওয়া গেছে, এটা সারা দিনাটার মানুষ বিদ্ধ। এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকে সজাগ সতর্ক হতে হবে, অকারণে ভিড় করা যাবে। আপকামিং কর্মসূচি বলে কিছু ছিল না, আজকে তো যে মানে আবেদন করেছিলাম মানুষের কাছে, দিনাটার মানুষের কাছে, যে বাইক, টোটো এবং অটো দুটো মূলত কারণ, একটা হচ্ছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আর একটা রেশন। আর বাইকের ক্ষেত্রে যে শিক্ষকরা স্কুল বন্ধ কিন্তু স্কুলে এখন মিড ডে মিল দেওয়া হবে, তার চাল আলু বিতরণ হচ্ছে, সেক্ষেত্রে সেটা ছাড় দিয়ে দেওয়া হবে যেদিন যেদিন মিড ডে মিলটা বিলি হবে। मणिपुरी गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। कालियाचक थाने के पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर भारी मात्रा में गांजा के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया, मादक पदार्थों की तस्करी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद रविवार देर रात कालियाचक स्टैंड के पास छापेमारी कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। दोनों को आज मालदा अदालत में पेश किया गया। पुलिस सूत्र के अनुसार तस्करों के नाम सेंटू मंडल व आकाश मंडल है। वे कालियाचक व गाजोल थाने का रहने वाला है। इनके पास से 13 किलो मणिपुरी गांजा बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य लाखों रुपए बताए जा रहे हैं। एसपी आलोक रजुरिया ने बताया कि अवैध गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर घटना की जांच शुरू कर दी है। कोरोना से दुनिया को मुक्त दिलाने की कामना के साथ पश्चिम बंगाल के महिलाओं ने किया कोरोना पूजा। पूरा विश्व इन दिनों कोरोना महामारी से तबाह है। विश्व भर के वैज्ञानिक जहां एक और कोरोना के वैक्सीन बनाने में जुटे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज की महिलाएं दुनिया को इस महामारी से बचाने के लिए कोरोना पूजा का आयोजन करा रही है। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में आज इसी तरह का एक नजारा देखने को मिला।
रायगंज के बंदर शमशान कॉलोनी इलाके में महिलाएं आज सुबह उपवास रखकर मिट्टी खोदकर उसमें लड्डू, जावाफल, नमक इत्यादि डालकर कोरोना पूजा का आयोजन किया गया। दूसरी ओर इलाके के महिलाओं के कोरोना पूजा का आयोजन इलाके का चर्चा का विषय बन गया है। काफी संख्या में गांव के लोग आज इस अभिनव पूजा अर्चना को देखने के लिए मौके पर पहुंचे थे। सोशल मीडिया में भी इस पूजा के किस्से काफी वायरल हो रहे हैं। कोरोना पूजा में जुटी महिलाओं ने बताया कि कोरोना से पूरी दुनिया को मुक्ति दिलाने की कामना के साथ आज उन लोगों ने इस पूजा का आयोजन किया है। उन्होंने बताया कि आज कोरोना महामारी के आगे पूरी दुनिया तबाह है। दुनिया के विकसित देश भी कोरोना के आगे लाचार और बेबस दिख रहे हैं। वे ईश्वर से प्रार्थना करती है कि जल्द से जल्द कोरोना नामक इस महामारी से दुनिया को बचाए। खाबे टाबे लोगों पाव लगते पर दिए जीवाणु ना तो ठाकुर भोग हलो लाड्डू नटा नटा जबा फुल नटा लंग एक गुड़े शरबत ठाकुर के दिए ठाकुर के शांति हलो करुणा करुणा नाम छाड़ा और दीब तरह मा के शांति होते करुणा ठाकुर शांति होक जाना फैमिली शांति होक गोटा पृथ्वी शांति होक जस्ट यटुकू और को। विधायक ने सड़क निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। उत्तर दिनाजपुर जिले के करंदगी ब्लॉक के आलतापुर ग्राम पंचायत अंतर्गत झाझरपुर गांव में सोमवार को पक्की सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। करंदगी के विधायक मानोदेव सिन्हा ने आज अलतापुर 2 नंबर ग्राम पंचायत के झाझरपुर गांव में 900 मीटर लंबी पक्की सड़क शिलान्यास की। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि लंबे समय से यह सड़क बदहाल अवस्था में थी। ग्रामीणों द्वारा इसके मरम्मत की मांग की जा रही थी। आज से सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। विधायक ने कहा कि सड़क बनने के बाद इलाके में विकास कार्यों में तेजी आएगी। आज के रास्ता शिलान्यास 900 मीटर टोटल बेहाल अवस्था जिला परिषद যেহেতু রাস্তাটা হয়ে গেছে সেই জন্য প্রশাসনের পটাতে সঙ্গে কথা বলে ওই রাস্তাটা এখান থেকে করা হবে পাটাটি থেকে ঝিঝারপুর। যেহেতু এই রাস্তাটা বেহাল অবস্থা, এই রাস্তাটা খুব দরকার আছে, প্রচুর মানুষ এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে, সেই জন্য এই রাস্তাটা করা হয়েছে। रोटरी क्लब ऑफ गैंगटोक ने अपने स्थापना के बाद से ही समुदाय की सेवा कर रहे हैं। आपदाओं के समय वे हमेशा प्रभावित लोगों के समर्थन और पुनर्वास के लिए कार्य करते आ रहे हैं। इसी क्रम में पूरा विश्व कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है और हमारा देश भारत भी इससे अछूता नहीं है। इसी बीच आज क्लब की ओर से सिक्किम के एसटीएनएम अस्पताल में पेयजल की व्यवस्था की गई एवं वहां पर संस्था की ओर से 20 लीटरों की 6 कैनिस्टर अस्पताल को प्रदान किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।